राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह शातिर बदमाश दिल्ली मुंबई में सेंधमारी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, यह बदमाश 2008 में गीता कॉलोनी पुलिस ने भारी मात्रा में घरों से चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन यह बदमाश पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने अब इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से स्कूटी, मोबाइल, सोने की चीजें भी बरामद की हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शातिर चोर साहिब है, जो बंटी चोर की उपाधि प्राप्त करना चाहता था, इस कारण यह वारदात को अंजाम दिया करता था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसके लिए है। जैसे आई थिंक आप सब फेमिलियर हैं, ये बर्गलर है साहिब अलियास साबू अलियास बंटी। ये पहले भी फरवरी 2018 में यहाँ से अरेस्ट हुआ था, उस वक्त भी इससे काफ़ी सारी रिकवरी हुई थी। ये एक मतलब ट्रांस यमुना एरिया में इसने काफ़ी जगह बर्गलरीज कर रखी हैं। 22/2/2018 को इसको गीता कॉलोनी थाने से ही अरेस्ट करा गया था और उस वक्त भी इससे काफ़ी रिकवरी हुई थी, जैसे कि मोटरसाइकिल्स थी चोरी की, 37 मोबाइल फ़ोन्स थे, लैपटॉप्स थे, 6 रिस्ट वॉचेस थी, सीसीटीवी कैमरास थे इसके पास, गोल्ड रिकवर हुआ था, ईयररिंग्स, बैंगल्स, चेन्स और वो सब, और सीपीयू, मॉनिटर और प्लस हाउस ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट्स, उस वक्त भी इससे ये सब बरामद किया गया था। अभी प्रेजेंटली ये जुडिशियल कस्टडी में चल रहा था कृष्णानगर के एक केस में। कोर्ट में प्रोडक्शन के दौरान ही मैनेज टू स्लिप अवे। हाँ जी, और अभी फिर से गीता कॉलोनी की ही टीम जो है, ये टीम फिर से कॉन्स्टिट्यूट करी गई, इसको बाहर रखिएगा, टीम फिर से कॉन्स्टिट्यूट करी गई और टीम ने काफ़ी मेहनत करके बहुत सारी जगहों में रेड करी है, जैसे कि हरिद्वार, ये बिजनौर का रहने वाला है जो बंटी है, और उन्होंने काफ़ी जगह रेड्स करके फाइनली इसको फिर से अप्रिहेंड करा है। और इस बार भी जब इसको अरेस्ट जब करा था, अप्रिहेंड करा था, ये इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है गोकुलपुरी थाने की, उसके अलावा इसके पास 8 मोबाइल फ़ोन्स, 1 पैर गोल्ड ईयरिंग्स, 2 गोल्ड रिंग्स, 1 गोल्ड चेन, 5 सिल्वर कॉइन, 2 फेक नंबर प्लेट्स और 3 हाउस ब्रेकिंग टूल्स भी इस बार भी बरामद हुए हैं। और एक मोटरसाइकिल इसकी शकरपुर से भी इसने चोरी कर रखी है, वो भी इसके इंस्टेंस पर रिकवर की गई है। ये बिजनौर का रहने वाला है, इसकी उम्र 28 साल है और ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ये इसी तरह से अपनी चोरी चकारी से अपना काम चला रहा है। इस पे प्रीवियस 37 केसेस हैं। तो यही मेरी तरफ से था। बहरहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर रात की सांस ली है। सिडनी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।